और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंद्रप्रकाश, फिर जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि और सोमवार का दिन द्वितीय तिथि, कार्तिक कृष्ण द्वितीय तिथि, दूसरी तिथि और सोमवार का दिन है द्वितीय तिथि। आज पूरा दिन पार करके देर रात 1:14 तक रहेगी। आज अशून्य शयन द्वितीय व्रत है। वरियान योग आज पूरा दिन पार करके अगली सुबह 6:03 तक रहेगा। साथ ही आज कृतिका नक्षत्र भी है। कृतिका नक्षत्र रात 11:50 तक रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष का गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यजयाद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 नवंबर की रात 9:30 से रात 1:54 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग रात 2:50 तक अगली सुबह 2:50 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। किसी को प्रपोज करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। आज सुबह 7:44 से दोपहर 12:03 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 नवंबर की शाम 7:32 से रात 10:07 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 नवंबर की शाम 7:32 से रात 10:07 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 नवंबर की सुबह 9:47 से दोपहर बाद 3:01 तक और शाम 4:25 से रात 10:11 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 7:44 से दोपहर 1:49 तक और दोपहर बाद 3:16 से रात 8:12 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 11:49 से अगली सुबह 5:20 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 नवंबर की शाम 7:32 से रात 12:27 तक और रात 2:44 से अगली सुबह 6:39 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति दिशा में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 3 नवंबर की दोपहर 1:14 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूँ कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:57 से 9:20 तक। मुंबई सुबह 8:05 से 9:31 तक। चंडीगढ़ सुबह 8 बजे से 9:22 तक। लखनऊ सुबह 7:40 से 9:04 तक। भोपाल सुबह 7:51 से 9:15 तक।
कोलकाता सुबह 7:07 से 8:31 तक, अहमदाबाद सुबह 8:10 से 9:34 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा सुबह 7:31 से 8:58 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आज आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं जिसका फायदा आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलने की पूरी संभावना है। सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी अच्छी कंपनी से आपको जॉब का ऑफर भी मिल सकता है। बच्चों के साथ आज पार्क में घूमने जाएंगे। स्वास्थ्य सही रहेगा, पूरा दिन एंजॉय करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। आज आप बिजनेस के सिलसिले में बाहर भी जा सकते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर आएगा। लवमेट्स आज पार्टनर को सरप्राइज दे सकते हैं। आज पूरा समय परिवार के साथ बिताने का प्लान कर सकते हैं। बिजनेस संबंधी लोगों को आज अपने काम में मुनाफा मिलेगा। आपको धन की प्राप्ति होगी। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। बिगड़े हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। आज आपके लिए विवाह का प्रपोजल भी आ सकता है जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर बॉस आपको उपहार स्वरूप कोई उपयोगी वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में मिठास भरने का दिन है। चॉकलेट गिफ्ट करने से उन्हें खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। व्यापार में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके बच्चे आपके व्यापार में पूरा सपोर्ट करेंगे। ऑफिस में किसी काम को लेकर जल्दबाजी करने से आपको हानि हो सकती है, इसलिए धैर्य के साथ काम करें। आज पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में आप सफल रहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा। किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आज का दिन शुभ है। बिजनेस में फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन खुशहाल रहने वाला है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े लोगों को, इंजीनियर्स को आज अच्छा अवसर मिलेगा। किसी अच्छी जगह आपकी जॉब भी लग सकती है। किसी शुभ समाचार के मिलने के योग नजर आ रहा है। शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। किसी नई जमीन से संबंधित कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर डिनर पर जा सकते हैं। नियमित योग करने से आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। घर का आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। आज के लिए आआपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन किस्मत आपका पूरा साथ देगी। संगीत और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री से आपको ऑफर भी मिल सकता है। घर में लक्ष्मी के रूप में नए मेहमान के आने की खुशी में छोटी सी पार्टी हो सकती है। आज आपके बिजनेस में दोगुना वृद्धि होने के चांस बन रहे हैं। लवमेट आज घर पर रिश्ते की बात चला सकते हैं। परिवार के साथ विदेश जाने का प्लान भी बन सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपके मन में नए विचार आ सकते हैं। आज बहुत क्रिएटिव मूड रहेगा आपका। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। आपके सीनियर्स आपके काम को लेकर आपकी तारीफ करेंगे, साथ ही आपके पड़ोसी भी आपकी तारीफ करेंगे। आज रास्ते में कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकता है। घर से निकलते ही कुछ कदम चलते ही कोई पुराना दोस्त नजर आएगा जिसके साथ आज आप मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। आज आप बड़े बुजुर्ग की सहायता भी कर सकते हैं। मूवी तो क्या, एंटरटेनमेंट का प्लान ही बना सकते हैं। लवमेट आज अपने रूठे साथी को मनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन येलो और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आपकी नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी जिससे आपको नया सीखने को मिलेगा। आज आप फिजूल के खर्च को कम करने की कोशिश करेंगे तो आपके भविष्य के लिए पैसे इकट्ठे करने में आसानी होगी।
आज आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत रहेगा। ऑफिस में आज एक्स्ट्रा वर्क करने से रुका हुआ काम जल्दी पूरा हो जाएगा, जिससे खुश होकर बॉस आपके पीठ थपथपा सकते हैं। वकीलों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। कोई जरूरी केस आज आपके पक्ष में रहेगा। आज दोस्तों के साथ लंबे टूर का प्लान बन सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। अगर आज किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो आज समय से पहले पूरा कर लेंगे, लेकिन आज आपको पहले से योजना बनाकर चलने की जरूरत है। आज किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करते समय सही भाषा का प्रयोग करें। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा है। लव मेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। आज आपके बिजनेस को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से डील मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। ये परिणाम व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है। आज किसी नए व्यवसाय में पैसा लगाने से आपको दोगुना धन लाभ हो सकता है। आज कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। इस राशि के कर्मचारियों के लिए आज का दिन अच्छा है। ऑफिस के किसी काम में आ रही बाधाएं आज खत्म हो जाएंगी। विवाहित आज जीवन साथी से कोई ऐसा वादा ना करें जो वे पूरा ना कर सकें, इससे आप दोनों के रिश्ते में गड़बड़ हो सकती है। शाम को परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मीठा खाने से जीवन में मिठास बढ़ेगी, अगर डायबिटीज ना हो तो। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। आज सभी काम आपके मन के मुताबिक पूरे होंगे। ऑफिस में आज कुछ सहकर्मी आपके काम का विरोध करेंगे तो कुछ सहकर्मी आपके पक्ष में भी रहेंगे और कुछ सहकर्मी आपके विपक्ष में रहेंगे। स्टूडेंट्स को आज अपनी पढ़ाई में बदलाव करने के लिए टाइम टेबल में चेंजेस करने की जरूरत है। परिवार में पिछले जिन गलतियों की वजह से आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे वो आज जीवन साथी की मदद से ठीक हो जाएंगे। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद होगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आज ट्रांसफर किसी अच्छी पोस्ट पर हो सकता है, जिससे आपको राहत महसूस होगी। पारिवारिक कामों को करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपका समय परिवार वालों के साथ अधिक बीतेगा। साथ ही कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। ऐसा करने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज कोई मित्र आपसे मिलने आ सकता है। मित्र से निजी समस्याओं को शेयर करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का होगा। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। उनकी पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। नतीजों की चिंता किए बिना मेहनत करेंगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। लव मेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल दान करने से परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी जरूरतमंद को दूध का पैकेट दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी छोटी कन्या को वस्त्र दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, परिवार के साथ बेहतरीन लम्हे गुजारने का मौका मिलेगा, जिससे आपके बीच प्यार और बढ़ेगा। मूलांक 2, कोई अजनबी व्यक्ति आपकी खासियत को पहचान सकता है, वो आपके कामों की तारीफ करेगा। मूलांक 3, आपको बहुत से काम आज निपटाने पड़ेंगे। आपकी ऊर्जा का स्थल, आपका जो एनर्जी सेंटर है वो आज आपके कामकाज में आपकी मदद करेगा। मूलांक 4, कला के क्षेत्र में रुझान वालों को आज अच्छे ऑफर मिलेंगे और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। मूलांक 5, कारोबार से जुड़ी कोई बात आपको परेशान करेगी, जिससे आप थोड़ा अपसेट हो सकते हैं। मूलांक 6, लव मेट्स के लिए आज का दिन खुशनुमा बना रहेगा। अपने पार्टनर को रिंग गिफ्ट करेंगे। मूलांक 7, नज़दीकी लोगों के व्यवहार से आपके लिए थोड़ी समस्या बनेगी, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। मूलांक 8, किसी से बिना सोचे समझे मन की बात शेयर करने से बचें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 9, अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूर्त पर ही शुरू करें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे डाइनिंग रूम में दर्पण लगाने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार डाइनिंग रूम में, यानी जहां पर बैठकर आप खाना खाते हैं, उस जगह पर दर्पण यानी आईना लगाना
बड़ा ही अच्छा होता है, ये शुभ फल देने वाला होता है। डाइनिंग रूम में दर्पण लगाने से वहाँ रखे भोजन की मात्रा अधिक हो जाती है, इससे अन्न धन में कभी कमी नहीं होती, हमेशा बढ़ोतरी बनी रहती है और घर के सदस्यों के चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, साथ ही सब लोग अच्छे से भरपेट खाना खा पाते हैं। डाइनिंग रूम के अलावा आप बैठक या गलियारे में भी दर्पण लगवा सकते हैं। यहाँ पर अष्टकोणीय यानी 8 कोने वाला दर्पण लगवाना उचित होता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और सोमवार का दिन है। द्वितीय तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 1:14 तक रहेगी। आज अशून्य शयन द्वितीय व्रत है। ये व्रत चातुर्मास के प्रत्येक 4 महीनों के दौरान कृष्ण पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। चातुर्मास के 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक शामिल है। इस बार आश्विन दोगुना था, तो अधिक आश्विन भी था और शुद्ध आश्विन भी था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के पृष्ठ 71, मत्स्य पुराण के पृष्ठ 2-20 तक, पद्म पुराण के पृष्ठ 24 और विष्णु पुराण के पृष्ठ 1-19 आदि में अशून्य शयन व्रत का उल्लेख मिलता है। अशून्य शयन द्वितीया का अर्थ है बिस्तर में अकेले न सोना पड़े। जिस प्रकार स्त्रियां अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, ठीक उसी तरह पुरुषों को अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जितनी जरूरत एक स्त्री को पुरुष की होती है उतनी ही जरूरत पुरुष को भी स्त्री की होती है। तो ये थी चर्चा अशून्य शयन व्रत की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज वरियान योग है। वरियान योग आज पूरा दिन पार करके अगली सुबह 6:03 तक रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो अवश्य करें, निश्चित सफलता मिलेगी। साथ ही आज कृतिका नक्षत्र भी है। कृतिका नक्षत्र रात 11:50 तक रहेगा। ये तीसरा नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र के जातक तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले और कला और विज्ञान में कुशल होते हैं। कृतिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है। कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोगों को इस दौरान गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, साथ ही उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये थी आज वरियान योग और कृतिका नक्षत्र की चर्चा। और अब बात अशून्य शयन व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अशून्य शयन द्वितीया का यह व्रत पति पत्नी के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है और इस अशून्य शयन द्वितीय व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु का शयन उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं जो भी इस व्रत को करता है उसके दाम्पत्य जीवन में कभी दूरी नहीं आती, घर परिवार में सुख शांति तथा सौहार्द बना रहता है। अतः गृहस्थ पति को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में भगवान की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लक्ष्म्यान शून्यम वरद यथाते शयनम सदा शय्या ममापि शून्यास्तु तथात्र मधुसूदन, अर्थात हे वर देने वाले वरद, जैसे आपकी शेष शय्या लक्ष्मी जी से कभी भी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी शय्या अपनी पत्नी से सूनी न हो, यानी मैं उससे कभी अलग न रहूं। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के बाद पूरे दिन व्रत करना चाहिए और शाम के समय चंद्रोदय होने पर अक्षत दही और फलों से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। फिर अगले दिन तृतीया को ब्राह्मण को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार अशून्य शयन द्वितीया का व्रत अवश्य करना चाहिए। और ये थी अशून्य शयन व्रत से जुड़ी कुछ चर्चा। और अब इस दौरान आपको क्या उपाय करने चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार को बरकरार रखना चाहते हैं तो आज एक कच्चा नारियल लेकर उसके ऊपर रोली से श्री लिखिए, अंक बिंदी लगाइए श्री। उसके बाद भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उस नारियल को भगवान को अर्पित कीजिए। देखिए श्रींग ऐंग ह्रींग क्लींग ये सब बीज मंत्र हैं। श्रींग लक्ष्मी जी का बीज है। नारियल पर श्रींग लिखने से लक्ष्मी को समर्पित हुआ, अब वो विष्णु जी को दीजिए। इससे आपके दाम्पत्य संबंधों में हमेशा प्यार बरकरार रहेगा। अगर आप अपने परिवार के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज एक पांच मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति का है विष्णु, एक साबुत हल्दी विष्णु, गोमती चक्र कौड़ी और गुंजा फल के दाने ये सब लेकर एक सौभाग्य पोटली बनाएं और इस पोटली को श्री विष्णु भगवान के विष्णु पूजा के समय भगवान के पास रखें।
पूजा के बाद इस सौभाग्य पोटली को उठाकर अपने घर के मंदिर में रख दें, आपके सुख सौभाग्य में अवश्य बढ़ोतरी होगी। अगर आप जीवन में अपने जीवन साथी का पूरा साथ पाना चाहते हैं और आज आपको देवी माँ के मंदिर में अवश्य फूल चढ़ाने चाहिए और फिर प्रसाद में मिले हुए फूल को घर लाकर जीवन साथी को देना चाहिए। आपके जीवन में जीवन साथी का पूरा साथ बना रहेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान के बाद एक कटोरी में थोड़ा सा घिसा हुआ पीला चंदन लेकर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को तिलक लगाएं। फिर उसी कटोरी से चंदन लेकर स्वयं के और अपने जीवन साथी के मस्तक पर भी तिलक लगाएं। आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत बना रहेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ अनबन चल रही है जिससे आपके रिश्ते में रिश्तों की मधुरता कुछ कम हो गई है तो आज आपको भगवान विष्णु के मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु का मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन दूर होगी और आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। अगर आप कुछ पारिवारिक कारणों से आपके दाम्पत्य संबंधों में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो इन उतार चढ़ावों से बचने के लिए आज के दिन आपको रात को सोने से पहले एक लोटा पानी लेना चाहिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी चाहिए। अब इस लोटे को अपने बिस्तर के नीचे सिरहाने के पास रख दें और अगले दिन उठकर इस जल को किसी हरे भरे पेड़ की जड़ में डाल दें। आपको दाम्पत्य संबंधों में चल रहे उतार चढ़ावों से मुक्ति मिलेगी। अगर आपकी शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं और आपके विवाह के बंधन ढीले पड़ने लगे हैं तो आज दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर श्री विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से विवाह के बंधन मजबूत होंगे। अगर आप अपने बिजनेस में जीवन साथी का सहयोग पाना चाहते हैं तो आज आपको 1 रुपए का सिक्का लेकर उस पर हल्दी से टीका लगाना चाहिए। उस पर कोई अच्छी सी खुशबू लगाइए। अब इस सिक्के को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। ये उपाय करने से आपको बिजनेस में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार का इजहार करना चाहते हैं लेकिन प्यार के इजहार पर इनकार का खतरा मंडरा रहा है तो आज पीले रंग का गोटा लगा हुआ एक साफ कोरा कपड़ा लेकर उस पर हल्दी से श्रींग लिखें। श्रींग श्री लिखिए, अंक बिंदी लगाइए, श्रींग। अब इस कपड़े को भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, आनंद हो जाएगा। अगर अपने दाम्पत्य जीवन में विश्वास बनाए रखना चाहते हैं तो आज जीवन साथी के साथ तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। साथ ही लक्ष्मी जी को खोए की मिठाई का भोग लगाएं और हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके दाम्पत्य जीवन में विश्वास बना रहेगा। अगर आप अपने जीवन साथी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो जीवन साथी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आज आपको इस शावर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम छौं ह्रीं ह्रीं आंग ह्रांग स्वाहा। ओम क्षौं ह्रीं ह्रीं आंग ह्रांग स्वाहा। आज के दिन लाल कपड़े पहनकर इस मंत्र का 101 बार जप करिए। लेकिन अगर आप इस मंत्र का जाप करने में कठिनाई महसूस करते हैं तो आप केवल ओम ह्रीं नमः, अच्छा है ये, कोई मंत्र इतना बड़ा नहीं है, करिए इसको। इस प्रकार मंत्र का जाप करके आप जीवन साथी को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। तो ये थी अश्विनी शयन व्रत के बारे में चर्चा। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आपकी सकारात्मक सोच आपके करियर को नई दिशा देगी, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। B, किसी काम से आपको सरकारी दफ्तर में भागदौड़ करनी पड़ सकती है। C, किसी रिलेटिव के साथ मिलकर नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे। D, कोई भी काम करें ध्यानपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। E, बिजनेसमैन को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। F, आपकी कल्पना शक्ति आपके लक्ष्य में सहायता करेगी, पहले किए गए किसी काम में फायदा होगा। G, विद्यार्थियों को मेहनत का बेहतर परिणाम मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। H, किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में आपका मन विचलित न होने दें, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। I, आर्थिक स्थिति में मजबूती होगी, अपनी मेहनत को सुखद परिणाम आपको आपकी मेहनत से आपको सुखद परिणाम मिलेगा।
जे, आज का दिन बेहतर रहेगा, ऑफिस में किसी काम के लिए पुरस्कार मिल सकता है। के, ऑफिस का काम रोज की तुलना में आज बेहतर तरीके से पूरा होगा, जिससे बॉस आपसे खुश होंगे। एल, आर्थिक मामलों में लिया गया फैसला आपके लिए लाभदायक होगा। एम, किसी करीबी के साथ मिलकर अपने काम को बढ़ाने के बारे में आप सोच सकते हैं। एन, दांपत्य जीवन खुशनुमा बना रहेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी। ओ, घर में अलग अलग तरह की डिशेस बनेंगी, इससे आपका मन बहुत खुश होगा। पी, नजदीकी लोगों के साथ समय बिताने से आपको खुशी होगी और रिश्ते बेहतर होंगे। क्यू, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनको कोई बढ़िया ऑफर मिलेगा। आर, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, मन में किसी बात को लेकर उत्साह बना रहेगा। एस, आज आप अपने काम पर विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके काम अधूरे रह सकते हैं। टी, जीवन साथी के साथ डिनर करेंगे, रिश्तों में पॉजिटिविटी आएगी। यू, आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वी, वेब डिजाइनर्स के लिए दिन अच्छा है, आपकी साइट का प्रोजेक्ट पूरा होगा। डब्ल्यू, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी विषय को लेकर थोड़ा आर्गुमेंट हो सकता है, अवॉइड करें। एक्स, कार्यस्थल पर स्थितियां अनुकूल रहेंगी, कोई भी बात बोलने से पहले सोच समझ कर बोलिए। वाई, सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जेड, अपनी बात कहने के साथ ही दूसरे की बात भी ध्यान से सुन लेनी चाहिए, इससे आपको ही फायदा होगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं बागपत के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान परशुराम ने अपनी माता को जीवित करने के लिए भोलेनाथ की आराधना की थी। यही कारण है कि इस शिवलिंग को काफी जागृत माना जाता है। एक मान्यता यह भी है कि सहस्त्रबाहु का संहार करने के बाद परशुराम ने यहाँ पहली बार कांवड़ लाकर भगवान भोले का महाभिषेक किया था। उस स्थान को पूरा महादेव कहा जाता है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे हाथी के चिन्ह के बारे में। जिस व्यक्ति के हाथ में भद्र राजयोग के साथ साथ शंख, तलवार, गदा, पुष्प, बाण, चक्र, कमल या हाथी का निशान हो, वो व्यक्ति 80 वर्ष की आयु से अधिक जीवित रहता है। रादर, कई ग्रंथों में इस बात का जिक्र आया है कि उम्र 84 से अधिक होती है, 84 से ज्यादा होती है। और यदि किसी के अंगूठे में हाथी के समान चिन्ह हो तो वो व्यक्ति यशस्वी, तेज दिमाग वाला और अपार धन संपदा का स्वामी होता है। इसके अलावा यदि किसी के हाथ में शुक्र पर्वत पर हाथी का चिन्ह हो तो ब्रह्मयोग बनता है, उसका प्रभाव चारों दिशाओं में फैलता है। ऐसे लोग बहुत ही समझदार, बुद्धिमान, वाक चातुर्य से युक्त होते हैं, साथ ही आत्मविश्वास से लबरेज होते हैं। अपनी गंभीरता तथा धैर्य के चलते ये बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से पार कर लेते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 2 नवंबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि आज रात 1:14 तक रहेगी, उसके बाद तृतीया लग जाएगी जो कल रात 3:25 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज नहीं खाई जाती। द्वितीया में बैंगन और तृतीया में परवल नहीं खाना। अतः आज रात 1:14 तक आपको छोटे बैंगन नहीं खाने हैं, और उसके बाद कल रात 3:25 तक आपको परवल की सब्जी का सेवन अवॉइड करना है। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कल की शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एही एही रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में अनाज भेंट करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971-000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।